नमस्कार सभी को, मैं सुभाष जोड़ संकल्प सीईटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो चलिए अपन सीईटी के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज की क्लास में हमारे प्रश्न कौन से रहेंगे वो अभी हम देखेंगे। इससे पहले देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको कि आप सीईटी के अगर घर बैठे, अगर हमारे ऑफलाइन बैच भी, सभी सीईटी का ऑफलाइन बैच होली के बाद स्टार्ट होगा। अगर आप उसकी जो फीस है वो 11,000 रुपये रहेगी और अगर आप दूर दराज के क्षेत्र में हो, यहाँ पर नहीं आ सकते, ऑफलाइन बैच अटेंड नहीं कर सकते, तो हमारा ऑनलाइन भी बैच चल रहा है जिसकी 2199 रुपये फीस है और सीईटी की हमारी बुक जो है वो भी आपको मार्केट में उपलब्ध मिलेगी। तो चलिए आज का अगला पहला जो प्रश्न है, सॉरी पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार पेशा अधिनियम। देखो पेशा अधिनियम के बारे में मैं एक बार बता दूं, इधर देखिए आप, ये जो पेशा एक्ट है, पेशा जो एक्ट है ये दिलीप सिंह भूरिया समिति बनाई गई थी 1994 में। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1995 में और इसकी रिपोर्ट के आधार पर पेशा एक्ट पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 में पारित हुआ था, जो 24 दिसंबर 1996 को भारत में लागू हुआ। ये जो अनुसूचित क्षेत्र है जहां पर जनजातियां निवास करती है, शेड्यूल ट्राइबल लोग जो वहां पर रहते हैं वो काफी पिछड़ा क्षेत्र होता है, तो उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, पेशा एक्ट, ठीक है, उसके से संबंधित है। और ये जो एक्ट है वो 5वीं अनुसूची और 10 राज्यों में लागू है। भारत के कितने राज्यों में लागू है? 10 राज्यों में। आजकल ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 10 राज्यों के नाम पूछे जाते हैं, तो नाम देखिए आप ऐसे याद कर सकते हो, ओम आम खाकर रांझा बनकर छग्गू के साथ कहां चला गया? हिमाचल। और हिमाचल छग्गू के साथ कहां चला गया? हिमाचल। और हिमाचल क्या लाने गया या तेल देने गया, ये मान लो। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, देखिए भारत के कौन कौन से राज्यों में पेशा एक्ट लागू है। ओ से हो जाएगा ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये साइलेंट रहेगा, राजस्थान, झारखंड ये साइलेंट रहेगा, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, देखिए एक बार वापस सुनिए, पेशा एक्ट जो है पंचायत एक्सटेंशनल शेड्यूल एरिया, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम, ये जहां पर जो अनुसूचित क्षेत्र है जहां पर जनजातियां निवास करती है, इसे जनजातीय क्षेत्र भी कहते हैं, उन क्षेत्र के लोगों का सर्वांगीण विकास करने के लिए पेशा एक्ट लाया गया था सरकार के द्वारा। देखिए एक पहले समिति बनाई गई थी, दलीप सिंह भूरिया समिति, गठन 1994 में हुआ था। इसने अपनी रिपोर्ट 1995 में दी थी। अपनी जो रिपोर्ट है, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1995 में। और इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पे 1996 में पेशा एक्ट पारित किया गया, जो 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया। ये पेशा एक्ट अनुसूची 5 और 10 राज्यों में लागू है। 10 राज्य पूछ सकते हैं, बेहतरीन ट्रिक है। ओम, सबसे पहले व्यक्ति का नाम याद करो, ओम ने क्या किया? ओम आम खाकर रांझा बनकर छग्गू के साथ हिमाचल चला गया, क्या करने? तेल देने या तेल लेने, ठीक है। ओम आम खाकर रांझा बनकर छग्गू के साथ कहां चला गया? हिमाचल, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर देखिए क्या रहेगा, ये पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 को 24 दिसंबर दलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश अनुशंसा पर बनाया गया, पेशा अधिनियम 5वीं अनुसूची। ये देखिए 9 नहीं सॉरी 10 तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 10 राज्यों में लागू है।
और इस अधिनियम एक का उद्देश्य क्या है, जो जनजातीय समुदाय है उनकी परंपराओं रीति रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण करना, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, स। चलिए आज की अगली क्लास, सॉरी अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहने वाले न्यायाधीश। तो देखिए एक तो बात ये क्लियर है कि हर पेपर में अब तक जितने भी, अभी हम जो ये सोल्व कर रहे हैं ये सीईटी का तीसरा पेपर है ग्रेजुएशन का, हर पेपर में 8 से 10 प्रश्न आए हुए, तो एक क्लास में हम 2 प्रश्न सोल्व करते हैं। ये ग्रेजुएशन लेवल का तीसरा पेपर है, 131 का कोड सी है। तो एक पेपर में, हर पेपर में मानवाधिकार आयोग के प्रश्न जो है वो पूछे गए। अभी इस तीसरे पेपर में ये दूसरा प्रश्न है एक ही पेपर में मानवाधिकार आयोग का, तो इसका मतलब मानवाधिकार आयोग बहुत महत्वपूर्ण है। पीछे की सारी क्लासें आप देख कर आगे आए तो अच्छा फायदा होगा। सबसे पहले देखिए मानवाधिकार आयोग के मैं बता दूं आपको अध्यक्ष कौन कौन बने हैं। पहले अध्यक्ष बने थे कांता भटनागर, कांता भटनागर, कांता भटनागर के बाद सैयद सैयद सगीर अहमद, सगीर अहमद, नगेंद्र जैन, नगेंद्र जैन, प्रकाश टाटिया और गोपाल कृष्ण व्यास, गोपाल गोपाल कृष्ण व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक, इसमें कुछ बातें ये भी ध्यान रखना, सर्वाधिक जो कार्यकाल है, सर्वाधिक जो कार्यकाल है, एक तो सबसे कम कार्यकाल कांता कुमारी भटनागर इसका सबसे, ये प्रथम है, एक तो प्रथम प्रथम अध्यक्ष है मानवाधिकार आयोग और एकमात्र महिला, एकमात्र महिला जो मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष बनी है, एकमात्र महिला जो मानवाधिकार आयोग की क्या बनी है, अध्यक्ष बनी है। ये मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश भी रही थी, मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश भी रही थी, मुख्य न्यायाधीश। गोपाल कृष्ण व्यास वर्तमान में, और ये राजस्थान हाईकोर्ट के, अच्छा कांता भटनागर का सबसे कम कार्यकाल भी ध्यान रखना, सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल किसका रहा, और सर्वाधिक कार्यकाल नगेंद्र कुमार जैन का सर्वाधिक कार्यकाल, सर्वाधिक जो कार्यकाल रहा था वो नगेंद्र कुमार जैन का रहा। गोपाल कृष्ण व्यास वर्तमान में ये अध्यक्ष है, राजस्थान हाईकोर्ट के ये न्यायाधीश भी रहे थे, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी रहे थे। इसके अलावा, इसके अलावा ध्यान रखना गोपाल कृष्ण व्यास जो है ये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष भी रहा, राज्य विधिक सेवा, राज्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का क्या रहा था, ये का अध्यक्ष रहा, ठीक है। सैयद सगीर अहमद ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में क्या रहे थे, न्यायाधीश भी रहे थे। तो ये इसका उत्तर ये हो जाएगा, नगेंद्र कुमार जैन सर्वाधिक कार्यकाल रहा इसका, सबसे कम कार्यकाल कांता कुमारी भटनागर का रहा। अच्छा एक सदस्यों में भी पूछा जाता है कि सदस्यों में सबसे जो कम कार्यकाल और सबसे अधिक कार्यकाल, वो भी थोड़ा ध्यान रखना आपको, सदस्यों में भी पूछा जा सकता है। सबसे कम कार्यकाल नमो नारायण मीणा, सदस्यों में अगर आपसे पूछा जाए सदस्यों में सबसे कम कार्यकाल क्या है, नमो नमो नारायण मीणा, और सदस्य ये तो सबसे कम है, सदस्यों में सबसे कम कार्यकाल है, और सदस्यों में अगर सबसे अधिक कार्यकाल पूछे आपसे, सदस्यों में सबसे अधिक कार्यकाल, सदस्यों में सबसे अधिक कार्यकाल पुखराज सिरवी, पुखराज सिरवी। तो देखिए मानवाधिकार आयोग के बारे में एक बार मैं नॉनस्टॉप सारी बातें बोल रहा हूं। मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक आयोग है, गैर संवैधानिक का संवैधानिक प्रकार है, और इसके लिए भारतीय संसद ने 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया था। उसी अधिनियम के तहत जनवरी 1999 में राजस्थान में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। 23 मार्च 2000 से उन्होंने कार्य शुरू किया था। जब कार्य शुरू किया उस समय 1+4 यानी टोटल 5 सदस्य थे। 2006 में 1+2 यानी 3 सदस्य, वर्तमान में 1+2 यानी 3 सदस्य है।
मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति होती है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और राजस्थान में इसके अलावा नियुक्ति कौन करता है, त्याग पत्र, कार्यकाल, सारी बातें हम बहुत पीछे सारी क्लासें देखिएगा आप। इधर इस क्लास में देखिए हम बात किए अब तक कौन कौन से अध्यक्ष बने। सबसे पहले कांता, सबसे पहले कौन है, कांता भटनागर, सबसे पहले कांता भटनागर गए सगीर, कांता भटनागर सगीर और गए वाले हैं सारे, देखो नगेंद्र, कांता भटनागर शायद कांता भटनागर, देखो सगी, कांता भटनागर की सगी किसकी थी, नगेंद्र की, सगी किसकी थी, कांता भटनागर सगी थी नगेंद्र की, सगी किसकी थी, नगेंद्र की। तो फिर कांता भटनागर सगी थी नगेंद्र की, नगेंद्र के घर गई, वहां पर क्या किया नगेंद्र ने, प्रकाश का उजाला किया, प्रकाश का उजाला, उसके घर में प्रकाश हो गया ये मान लो, जे ही सगी आई तो नगेंद्र खुश हो गया यहां मान लो। कांता सगी थी किसकी, नगेंद्र की, जैसे ही नगेंद्र घर गई नगेंद्र का चेहरा खिल उठा, प्रकाशन में हो गया प्रकाश और गोपाल कृष्ण व्यास। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद जय भारत।